दोस्तों, बॉलीवुड के स्टार कपल यानी कि विकी कौशल और कटरीना कैफ कल यानी कि 9 दिसंबर को फाइनली शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्यारा सा कपल राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बड़वारा में साथ फेरे लेगा। शादी में कपल के पारिवारिक रिश्तेदारों के अलावा इंडस्ट्री से खास लोग भी शामिल होने वाले हैं, जबकि एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान के शादी में शामिल होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि कटरीना कैफ की शादी में सलमान खान शिरकत नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही सलमान खान के परिवार से कोई ऐसा शख्स है जो कि कटरीना और विकी की शादी में खास जिम्मेदारी निभाने वाला है। आपको बता दें कि सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि शेरा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम देखेंगे, वो भी कटरीना और विकी की शादी में। जी हाँ दोस्तों, शादी में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं शेरा, जो कि सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। दरअसल कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी तैनात की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो होटल सिक्स सेंस फोर्ट में 7 से 10 दिसंबर तक चलने वाले 4 दिन के विकी कटरीना की शादी के फंक्शंस में शेरा ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया है। यानी कि सलमान खान तो शादी में शिरकत नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड यानी कि शेरा विकी कटरीना की शादी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। विकी कटरीना की शादी में सुरक्षा के जो खास इंतजाम होंगे, जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होगी, वो सब कुछ पर्सनल तौर पर देखेंगे सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा। कपल की शादी में व्यवस्थाओं के लिए जयपुर से 100 बाउंसर भी होटल पहुंच चुके हैं। वहीं होटल सिक्स सेंस फोर्ट को पूरे तरीके से मुंबई से आई मैगजीन कमेटी ने अपने अधीन ले लिया है। जी हां दोस्तों, अब जिस तरीके से कटरीना विकी की शादी में टाइट सिक्योरिटी नजर आ रही, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोई भी शादी की वीडियो या फोटो लीक ना होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है उन लोगों के लिए जो विकी कटरीना की शादी को देखना चाहते हैं।